प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और एक मजेदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरसू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत से पत्रकार रोहित शर्मा जी, और चाइना से उन्हें ज्वाइन करेंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए अभी ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। शर्मा और उनके साथ हैं जी सुमित जैन साहब। हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हमने कोई शो करना है और हमने क्या टॉपिक करना है, तो उसके लिए मैंने रोहित शर्मा से पूछा, तो रोहित शर्मा ने कहा कि मैं शो कर लूँ। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हम तीनों में से शो कर कौन रहे हैं। फिर रोहित जी ने बताया कि मैं शो कर रही हूँ इसलिए कि इस किस्म के फजूल टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो मैं और सुमित सर करते, रोहित नहीं करते। लेकिन फिर भी सुमित सर, आपका क्या ख्याल है, कौन सा फजूल टॉपिक हम आज बात करने लगे जो रोहित को नहीं पसंद? पता नहीं, मुझे तो टॉपिक नहीं पता बुलाया क्यों है आपने, मुझे तो खुद को नहीं पता कि बुलाया किसके लिए और टॉपिक है क्या। मुझे लगता है कि हम अपने जो कपड़ों के रंग है उसके बारे में बात करने वाले थे कि हमारा जो रंग है तीनों में ये येलो येलो बीच में क्यों आ रहा है और डटी फैलो वाला काम कौन करने वाला है आज। ये बिल्कुल मेरे ख्याल है रोहित बताएंगे। रोहित, आज टॉपिक क्या है, ऑडियंस को ये तो बता दें। टॉपिक ये है कि महाकुंभ में, डेमोक्रेसी के महाकुंभ में जनता भगवान होती है, जनता ने अपना फैसला दे दिया और कौन जीतने वाला। तो फिर बताइए कौन जीतने वाला है। आप सबसे पहले रोहित से शुरू करते हैं। रोहित, क्या हाल है इलेक्शंस का, इस वक्त क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जा रही है? आपको करना भी पड़ेगा, आप मैं ही इंडिया में बैठा हूँ, बाकी तो एक चाइना में एक पाकिस्तान में बैठ कर नहीं बता सकता कि मेरे कंट्री में कौन जीतेगा, इसलिए मैं बताऊंगा हमारी कंट्री में, नॉट की मेरी कंट्री में। नहीं, आप इतने साल से बाहर रह रहे हैं, आपकी तो शक्ल भी अब चाइनीज टाइप हो गई है। नूडल्स खा के नहीं, आप मुझे बताइए ना रोहित, क्या इस वक्त क्या हाल है और कौन जीत रहा है? देखिए, एक कांटे की टक्कर है। देखिए, बीजेपी के लोग भी अब कुछ चीजें मानने लगे हैं, जैसे कि जो मेरी बात हुई, बीजेपी के बहुत खास लोगों से बात नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं जो कि बहुत वोकल रहते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, वो मान रहे हैं कि 350 तो एक ऐसा टारगेट है जो कि शायद ना हो पाए, ठीक है ना। हाँ, उससे कम हो सकता है, हो सकता है 272। मेरी थिंकिंग यह है कि 272 टच कर सकती है या मुश्किल है 272 टच, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बीजेपी के जो कट्टर सपोर्टर्स है वो कह रहे हैं कि राजस्थान में 3-4 सीट्स लूज कर सकते हैं, महाराष्ट्र में दे कैन लूज सम सीट्स। अच्छा, सबसे बड़ी चीज कि बीजेपी के पास हर जगह, जहां पे भी बीजेपी महाराष्ट्र में एक्सट्रीम पे थी, राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, दिल्ली में 7 में से 7, तो बीजेपी इसमें इससे ज्यादा गेन नहीं कर सकती ना। तो ऊपर जाने का स्कोप वहां पे है जहां पे इन्होंने फुल सीट्स नहीं ली थी। साउथ इंडिया में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं दिख रही है, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है और कैसा होता है। अभी तक मेरी निगाहों में यह है कि 272 टफ। वाकई में सुमित सर ऐसा है, मुझे लेकिन आपकी नजर तो होगी ना भारत पे। हाँ हाँ, मेरी पूरी नजर है, मैं भी कुछ अच्छे लोगों से बात करके आता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं कुछ सुनकर नहीं आया हूँ, ना ही कुछ पीकर आया हूँ, ना ही कुछ मैंने स्मोकिंग करी है, मैं बिल्कुल होशो आवाज में हूँ। और उसके बाद बात कर रहा हूँ कि जितना मोदी जी लास्ट टाइम लेकर आए थे, आंकड़े ये बताते हैं कि उससे ज्यादा आने वाले हैं नंबर्स। कोई बोलता है 350, कोई 325, कोई 310, इससे नीचे किसी ने भी बात नहीं करी है। प्लस माइनस 310 में हो सकते हैं, 5-6 नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए, पर जितने सीटें लास्ट टाइम बीजेपी लेकर आई थी 303, उससे ज्यादा वोटें आने वाली हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि 272 भी टफ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राहुल गांधी नहीं आ रहे, ये पक्का है। मुझे जितना मर्जी कोई बोल दे, जितने बोरे वाले लाइनें लगाकर बैंकों के खाते खोलने शुरू कर दिए कि ये अब तो 8500 रुपए महीने के मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले,
वो इस खाब में जीते हैं, जीते रहेंगे। उनको जो फ्री राशन मिल रहा था 80 करोड़ लोगों को, जिसमें से 75 करोड़ तो जिहादी ही ले जाते हैं, क्योंकि जो जिहादी हैं उनके सबके 3-3 आधार कार्ड बने हुए हैं। वो जो 30 करोड़ हैं उसमें से 25 करोड़ के तो 3-3 आधार कार्ड हैं, तो 75 करोड़ तो वही हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब तो वही है पूरी दुनिया में। तो इसलिए यही काम होने वाला है, ये जो फ्री का राशन, फ्री की दवाइयां, फ्री के इलाज, वही काम होंगे और कुछ नहीं होगा। ये 8500 रुपए महीने वाला काम नहीं होने वाला, जितना मर्जी को भंडे डाल ले। दूसरी बात, अब इतना काम, पहली बात तो ये है कि जैसे रोहित भाई ने कहा, हम उसी के ऊपर बात करते हैं, ये कहते हैं 272 भी टफ है। अगर इतना ज्यादा काम करने के बाद मोदी जी का, उसके बाद भी 272, मैं इनकी आर्गुमेंट को ही आगे लेता हूं, उसके बाद भी 272 अगर टफ है तो लानत है मोदी जी की इतना काम करने की। इतना काम करने के बाद भी अगर, और इतने कैंपेनिंग करने के बाद भी, और इतने निकम्मी ऑपोजिशन के बाद भी अगर वो 272 भी पहुंच नहीं सकते, तो मुझे लगता है मोदी जी को वैसे ही संन्यास लेना चाहिए कि भाड़ में जाओ सारे, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। आप ही सवाल है ज्ञान साहब, काम तो अटल जी ने भी किया था, काम तो अटल जी ने भी किया था, और अटल जी ने जब 2004 में हारे थे तो कोई नहीं जानता था और कोई बोल भी नहीं रहा था कि अटल जी जीतेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तो लेके डूबता है। जो अलायंसेस हैं इस बार के, खास तौर से आंध्र प्रदेश में जगन के साथ अलायंस करना चाहिए था, अलायंस करना चाहिए था, किया आपने चंद्रबाबू के साथ, जितना जगन ने, सबको पता है। मैं एक सीट के बारे में बता सकता हूँ, नागौर की सीट, नागौर की सीट पिछली बार हनुमान बेनीवाल जीते हैं बीजेपी के साथ अलायंस में, इस बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। क्यों? ज्योति मिर्धा आ गई है बीजेपी में, ज्योति मिर्धा दो बार हारी मां से यार। अच्छा आगे, रतलाम की सीट, ठीक है, कांतिलाल भूरिया की सीट है, 5 बार से वो एमपी थे, पिछली बार पहली बार हारे थे, वो भी बहुत बहुत छोटे मार्जिन से, इस बार वो वापस जीत सकते हैं। आपके पास वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अच्छा, काम अटल जी ने बहुत अच्छा किया था, अलायंसेस, और उसके बाद डिपेंड ये भी करता है कि आप किस एंगल से अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीजों पर फैक्टर पे, काम का और इलेक्शन रिजल्ट से कोई रिश्ता ही नहीं है। काम तो बहुत अच्छा अखिलेश यादव ने भी किया था यूपी में। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ आपके बाद, मुझे लगता है होम मिनिस्टर आपने डिक्लेयर कर ही दिया उनको कि होम मिनिस्टर तो अखिलेश यादव ही बनने वाले अगली बार, और 8500 रुपए हर एक की लेडीज के घर में आने वाले हैं। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने यूपी में काम किया था, मेरे लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है आज। या तो आपने अखबार नहीं पढ़ा, मुझे अखबार की जरूरत नहीं है रोज भाई, हमें रियलिटी पे जीना चाहिए। टोंटी चोर, आप जिन रोज से देहरादून गए थे वो सारी अखिलेश यादव की टाइम की थी। आपने जितने नोएडा में जितने सब वेज बने 80% अखिलेश यादव के टाइम के हैं। दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वे, और उसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, आज सब उसकी तारीफ करते हैं अखिलेश यादव के टाइम का। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम अखिलेश का अच्छा था, लेकिन काम वैसे इनफैक्ट मायावती ने भी किया था, काम बहुतों ने किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, अखिलेश तो 25 बार बोल चुके जितने प्रोजेक्ट्स बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही है सारे मेरे टाइम के हैं, लेकिन उससे नहीं फर्क पड़ता। अखिलेश यादव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मोदी आ गए और मोदी वेव के सामने अखिलेश यादव हार गए। तो ये नहीं है, दिस डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। काम की बात करेंगे तो काम मनमोहन सिंह, इंडिया अमेरिका रिलेशंस के पीक किसी भी अच्छे एनालिस्ट से पूछ लीजिए, मनमोहन सिंह का टाइम पे थी सिविल न्यूक्लियर डिफेंस, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है आज। डिपेंड्स के कौन उसको प्रोजेक्ट अच्छा कर पाता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी ने भी काफी काम किया है पिछले 10 साल में, और इस बार जो वोट्स हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, तो उसमें सीट्स उतनी क्यों नहीं आ पा रही जिससे कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी कह सके कि हाँ जी हमने जो नारा लगाया था 400 पार वो हो जाएगा, वो क्यों नहीं हो पाया, या वो वैसे ही एक सियासी स्टेटमेंट था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितना काम किया है उतना काम शायद मेरे हिसाब से पिछले 30-40 साल में नहीं हुआ है, सच बात यह। लेकिन विक्ट्री तब आती है जब आपके अलायंसेस अच्छे होते हैं, विक्ट्री तब आती है जब आपका ऑपोजिशन साइड फ्रेगमेंटेड होती है। इस बार ऑपोजिशन साइड के पास अलायंस है, और कुछ भी कर लीजिए,
उनके वोट्स बहुत स्ट्रांग है। पिछली बार फ्रेगमेंटेड, दो बार बीजेपी को फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन मिला है, इस बार नहीं मिला, ये सोचने की बात है। और आप देख लीजिए कि लास्ट टाइम अराउंड 2019 बालाकोट यूफोरिया, 2014 उसमें जितने वोट्स बीजेपी को मिले थे उससे ज्यादा वोट्स कांग्रेस और सेकंड ऑपोजिशन को मिले। ये चीजें मुझे डराती हैं कि क्या 2004 रिपीट होने वाला है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट वो टीवी पे नहीं बोल रहे होंगे, हिम्मत नहीं है उनमें बोलने की, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मेरे रिश्ते सबसे अच्छे हैं, कांग्रेस से भी अच्छे हैं मेरे रिश्ते, मेरे बीजेपी से भी अच्छे हैं, मेरे आरएसएस से भी अच्छे हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। जी सुमित सर, वाकई में सच बोलने की हिम्मत है? देखिए पहली बात यह है कि जैसे इन्होंने बोला कि अखिलेश ने बड़ा काम किया, मायावती ने बड़ा काम किया, तो अगर इनको लगता है तो लगता है कि केजरीवाल ने भी दिल्ली में बड़ा काम किया होगा, इनके हिसाब से पंजाब में भी बड़ा ही जबरदस्त काम वो करता जा रहा है। अब इसके ऊपर मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अगर यही आंकड़े हैं। और मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे बड़े हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने भट्टा बढ़ा दिया था अपने टाइम पर, क्योंकि बेशर्मी से एग्रीमेंट कर लिए थे चाइना के साथ जाकर पप्पू ने 2008 में। उसके बाद हम ये बोले कि भाई हो मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल वाले सबसे बढ़िया हमारे प्रधानमंत्री थे, बहुत काम हुआ था सारी कंट्री का, भट्टा बैठ गया था, फ्रेजाइल 5 में हम आ गए थे, इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट था वो। तो अगर हम ये बोलते हैं कि भाई मनमोहन सिंह बहुत जबरदस्त प्रधानमंत्री थे, बहुत काम किया, हैट्स ऑफ टू दीज कांग्रेसीज जो ये बोलते हैं कि भाई मनमोहन सिंह के टाइम पर बहुत जबरदस्त काम हुआ था, और ये हालत थी कि हमारे यहाँ पर अटैक होते थे पाकिस्तान की तरफ से और हम रेड कार्पेट देते थे टेररिस्ट को, इतना जबरदस्त हमारा इकोनॉमिस्ट और इतना स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री था कि टुच्चू सो कंट्री पाकिस्तान, उससे भी डर के रहते थे हम लोग कि कहीं अटैक ना कर दे, और यूनाइटेड नेशन में जाकर वो बोलते थे देखो जी इनको बोलो हमारे ऊपर अटैक ना किया करें। वो भाई भारत का प्रधानमंत्री और ये टुच्ची बातें कर रहे हो जाकर तुम, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम किया था कि भाई पूछो मत, हम तो इतना सेफ फील करते थे कि भारत को छोड़ के ही चले गए, ये इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन as far as काम is concerned, मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे जितना काम हुआ 30 साल में नहीं हुआ, बट सोचने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या कांग्रेस भी ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि काम हुआ था मनमोहन सिंह के टाइम पे। ठीक है, पिछले 10 साल से प्राइम मिनिस्टर में नहीं किया उन्होंने, दे हैव नॉट सेड इट। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, अच्छा मैं कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं सामने सच रख रहा हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा कि दूसरी ऑपोजिशन ने क्या काम किया है तो वो आपको नहीं दिख रहा होगा। फैक्ट इज कि मेरे बीजेपी से जो रिलेशन है वो अलग है, कांग्रेस मैं कोई किसी का वो तो नहीं हूँ, किसी का कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, तो मैं उसका स्पोक्स पर्सन की तरह नहीं बात कर सकता। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए, मैं भी फैक्ट्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ रोहित भाई, आपने बोला मैं आंसर ही दे रहा हूँ आपको, आप तो मेरे साथ लड़ने लगे हो। आप सुमित जी, आपने बोला कि केजरीवाल ने बहुत काम किया होगा, अच्छा केजरीवाल ने काम नहीं किया तो दोबारा जीत के कैसे आ गए यार, और वो भी लैंडस्लाइड मेजोरिटी, बीजेपी सिर्फ 3 सीट लाई, 6 लाई नेक्स्ट टाइम राउंड, कैसे जीत के आ गया कोई बता सकता है? कौन सी नशे की गुट्टी पी है आपने, कौन सा नशा किया, वो इमरान खान वाला? नहीं, राहुल गांधी वाला, इमरान जो आपको आपको दिया था, उन्होंने मुझे भी भेजा था लेकिन मैंने लिया नहीं, तभी मैंने बोला है कि आज शो से पहले ना तो मैं दारू पी के आया हूँ ना मैंने राहुल गांधी वाला नशा किया है जो सुबह सुबह उठ के वो करता है। ऐसा ना बात कर रहे थे, राहुल गांधी तो मैं मानता हूँ इज नॉट फिट टू बी द कांग्रेस प्रेसिडेंट या इज नॉट फिट टू बी द लीडर। अगर राहुल गांधी कांग्रेस में नहीं होते तो कांग्रेस आज की पोजीशन से फॉर बेटर होती, नो डाउट अबाउट इट, और मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। सो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह इन तीनों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस डिबेट में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन तीनों ने ना सिर्फ एक दूसरे की टांग खींची बल्कि अपने पर्सनल व्यूज भी बताए कि कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।